हाय गाइस, मैं हूँ शबनम और स्वागत है आपको मेरी चैनल फुल ब्यूटीफुल में। यहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल के बारे में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन की रिव्यू करने वाले हूँ। और अगर आप लोग एक अच्छा सा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं और पता नहीं है मतलब उसको कैसे खरीदना है, कौन सी ब्रांड का खरीदूं, कोई सस्ता सा अच्छा सा फाउंडेशन ढूंढ रहे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक मैं सारी प्रोडक्ट्स की लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करना। तो चलिए आज की जो वीडियो है जल्दी जल्दी से स्टार्ट करके वीडियो। गाइस, मेरे पास है पूरा ये फुल बॉक्स और इसमें है मेरी सारी फाउंडेशन। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी सब लोगों को दिखाती हूँ। और काफी सारे फाउंडेशन है, मतलब ये इसमें मेरे 6 फाउंडेशन है इस तरह की, तो ये देख सकते हैं। गाइस, मेरे पास ये 6 फाउंडेशन है और इसकी अगर पैकेजिंग के बारे में बात करें तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रीति लगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देख सकते हैं ये फाउंडेशन ट्यूब में आते हैं और इसकी कैप भी अगर आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और ये क्रिस्टल जैसे कि होते हैं ना, क्रिस्टल के जैसे इसकी डिजाइन है और मुझे तो पैकेजिंग काफी ज्यादा पसंद आई। ये है स्विस ब्यूटी प्राइमर मोस फाउंडेशन वेटलेस स्मूथ एंड वेलवेट टच, देख सकते हैं। ये जो फाउंडेशन है स्विस ब्यूटी का, इसमें प्राइमर भी है, तो आपको प्राइमर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपके फेस पे लगाने के बाद कभी पता नहीं चलता है कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। बहुत ही ज्यादा हैवी हैवी जैसा फील नहीं होती है। और ये जो फाउंडेशन है डेली यूज के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि अगर आप डेली कहीं मतलब बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो इस तरह की फाउंडेशन बहुत अच्छी। स्विस ब्यूटी की जो प्राइमर मोस फाउंडेशन है, ये वाला फाउंडेशन आपको फुल कवरेज तो नहीं देगी, लेकिन हाँ आपको मीडियम कवरेज जरूर देगी। और ये आपकी स्किन में अच्छी तरह से बहुत ही सिमलेस से ये ब्लेंड भी हो जाती है। फेस पे भी इसको यूज करके दिखाऊंगी किस तरह से ये ब्लेंड होते हैं। तो चलिए, मेरी जो यहाँ पे शेड है वो है शेड नंबर 5, तो मैं 5 वाला ले लेती हूँ अपने फेस पे यूज करने के लिए। तो ये है शेड नंबर 5 और इसके साथ में थोड़ा सा दूसरा कलर भी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए है थोड़ी सी फाउंडेशन, देख सकते हैं। और इसमें मैं एक लाइट कलर जो फाउंडेशन है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और ये है शेड नंबर 2 रोज ब्लश, तो मैं ये भी यहाँ पे यूज करूंगी थोड़ी सी। ओके, तो चलिए इसको मिक्स करते हैं और इसके बाद यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। तो फर्स्ट तो मैं अपने हाथ पे ही अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं इस साइड जो है, इस साइड में हाथ से ब्लेंड करूंगी और इस साइड में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाथ से भी ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। तो चलिए इसे यूज करते हैं अपने फेस पे। ओके, तो आप इसे ना इस तरह से हाथ से भी बहुत ही इजीली आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ से हाथ से ही इसे ब्लेंड कर लिया है। इस साइड जो है ब्लेंड हो गई है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है। तो नेक्स्ट ये वाला साइड मैं यूज करूंगी, तो इसमें मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। इस साइड भी यूज कर लेते हैं, तो पहले तो मैं डॉट डॉट करके यूज करूंगी। ओके, उसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी इसे।
बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाती है। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो गई है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है, हाथ से भी ये कुछ भी नहीं लग रहा है, हाथ पे भी मैंने गले पे नहीं लगाए इसलिए शायद आपको मेरे गले का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगे। मैंने बस अब फेस पे ही इसे यूज किया है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। डेली यूज के लिए बहुत अच्छे है, आपको फुल कवरेज बिल्कुल भी नहीं देगा, ये मीडियम कवरेज देता है, तो आप लोग डेली यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना, बहुत ज्यादा मेकअप पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सा लाइट सा मेकअप पसंद करते हैं, तो ये फाउंडेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसकी प्राइस कितनी है। तो आपको मिलेगा इसमें क्वांटिटी 30 ml मिलेगा आपको और इसकी जो प्राइस है ना वो है 449 rupees। आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएंगे कोई भी वेबसाइट में, आप लोग चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी लिंक डाल दूंगी। सो गाइज आज की जो वीडियो है यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी तो हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई है तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो आप लोगों के पास आते रहे। और कमेंट करना कैसा लगा ये वाला वीडियो। तो चलिए आज के लिए मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।